जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण अभी अभी गया है। इसके बाद बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं और आपको ये भी डर होगा कि आपकी राशि के लिए इन 100 दिनों में आने वाले क्या होगा और कौन सी चीज़ें आपको फेस करना होगी और ये ग्रहण से क्या चीज़ें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बात उसी पर करेंगे कि इस ग्रहण का जो पॉजिटिव फ़ायदा है वो कैसे उठा सकते हैं और कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखें ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ग्रहण के बाद जो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। दूसरी बात है कि आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क जो है वो नॉमिनल शुल्क है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर बात करें, आपकी कोई भी परेशानी हो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये आपके लिए सूर्य ग्रहण बहुत डरावना है, तकलीफ देह है। बहुत से लोगों के लिए ये कहा कि अच्छा है, ये है तमाम चीज़ें। ये सूर्य ग्रहण के विदिन आने वाले 21 जून से लेके, क्योंकि 5 जुलाई को एक और ग्रहण होने वाला है, तो ये जो आने वाला जुलाई का महीना, इसमें आपको मौन रहे। मौन रहने से मतलब ये होता है कि चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें होकर वो बहुत बड़ा, एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो आपको ये हिदायत है, इसका बेस्ट फ़ायदा ये लेना है कि इन एक महीने तक चीज़ों को न्यूट्रल रखने का। न्यूट्रल से मतलब है, ठीक है, आगे उसको थोड़ा सा टाले, रोक के नहीं रखे, उसे थोड़ा टाले। ये जुलाई का महीने टालने की कोशिश करें। 100 दिन तक जो है इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, पहली बात ये कह देना चाहता हूँ। बिल्कुल सकारात्मक परिणाम है, कहीं भी किसी भी तरह की जो तकलीफें आपको दिखाई दे रही वो नहीं है। पर जो हमें इस दरमियान जिन चीज़ों को पकड़ के रखना है, जिन चीज़ों को मानना है, वो पहली मुख्य बात है कि शांत रहें, खासकर शांत रहने की मत। दूसरी बात है कि कोई भी नया काम, देखिए ऐसे भी नया काम तो नहीं होगा इस, पर कोई भी अगर नया काम आप कर रहे हैं तो वो अगर हो सकता है तो थोड़ा रोक दे 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद आप, अगर 15 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, अभी कर सकते हैं आप। ये तीन बातें तो जो मुख्य थी। इसके अलावा ये टाइम पीरियड ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको तकलीफ में, अभी देखिए जो हालात चल रहे हैं उस वजह से तो है ही सही, तो ये जो है चीज़ें सब अब बाहर निकलने का दौर आ गया। पूरा जो खराब समय था, विदिन 6 मंथ जो था, ये पूरा महामारी और ये पहला ग्रहण जो हुआ उसके बाद से, ये अब जो चीज़ें वो सकारात्मक और बहुत बढ़िया होने वाली है। तो अभी सब कुछ बढ़िया होने वाला है और हम कोई ऐसी चूक ना करें जिससे कि सब चीज़ें खराब हो जाए। बस सीधी सी बात, लाख टके की बात मैं कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये बात याद रखना है, सूर्य ग्रहण के बाद सब चीज़ें अच्छी हो रही है, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी और अच्छे दिन आपके फिर से जो सामान्य स्थितियाँ होने लग जाएगी। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।